अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करती हैं आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उसको शिफा दे। तो अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, हमारी सुबह की रूटीन हो गया है शुरू। तो अभी जो बनाते हैं चाय, सब सामान वगैरह जो है हमने इकट्ठा कर लिया है। तो अभी चूल्हे में लकड़ियाँ डाल के आग जलाएंगे, तो फिर बनाएंगे चाय जी। तो अभी जो है बीबी मेरे साथ है और जैनब भी मेरे साथ है। हाँ बीबी, कैसी है तबीयत? क्या कर रही हो? खेल रही हो? चाय और पापा बनाए, आपको भूख लगी है? ठीक है। हाँ जैनब, मक्खियाँ उड़ा लो। ये मम्मी आग जला ली है। हाँ मैंने आग जो है वो जला दी है। अभी जो है ये दिखाएं बेटा, इधर से ये है हमारा दूध, तो ये भी ऊपर चढ़ा देंगे चूल्हे पे। अभी जो है इसमें चीनी और बोतल, मम्मी चाय पक गई है। चाय बेटा, चाय अभी पकने वाली है। ये देखें, ये रही हमारी चाय, अभी बनने वाली है। आपको भूख लगी है? जोर से बोलो। हाँ। चलो ठीक है, मैं अभी अभी बना के ना सबसे पहले आपको दूंगी। ऐसे मम्मी चाय पका लिया है। हाँ बेटा, मैंने चाय जो है वो बना ली है। अभी इस प्याली में डाल के तो किसको दूं पहले? मुझको। आपको दूं? चलो ठीक है, पहले आपको देती हूँ। ठीक है, ये जी अम्मी ने चाय रेडी कर लिया है। तो बच्चे सारे बैठे हैं, तब देते हैं चाय। तो मेरा ने बैठा है, प्याले में डाले जा रहा है। पहले पहले किसको देना है? बस सबके इकट्ठे पहन लिए, सब बच्चों को दे दे। अभी जो है आपका, आपको ना मौसम का ये विजिट करवाते हैं। ये देखें, बादल बहुत ज्यादा आ चुके हैं और मौसम ऐसा। भैया चाय पी लो। हाँ जी चाय पी रहा हूँ। आप पी लिए? जोर से बोलो ना। हाँ। चावल पका लिया? अच्छा, मैं पी रहा हूँ, किसने पीना है तो पी सकता है। वो कौन आ गया है? अमना ढोला। ढोला क्या करो? ढोले ने चाय पापा खा लिया। बस वो कहते हैं बस है। ये जी अम्मी चाय पा लिया है। कप्पू में मैंने चाय डाल दिया और बहुत सारे फार्म को दिया। ये जी मैं देने जा रहा हूँ चाय। तो ये देखें जी, ये ले जी। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, थैंक यू सर। हाँ जी। ओ लचा, ओ एक सर उसी नाल से ये कले चाह नाल उसी का चाह ले आते हैं। चाहिए पापे उसे? हाँ पापे उसे चाहिए। ये देखें जी, ये पापे, तो ये भी देते हैं पापे। ये ले जी। नंबरदार है? हाँ जी। बारिश आने वाली है? हाँ जी। अभी थोड़ी थोड़ी बूंदे गिर रही है। हाँ जी। तो ध्यान रखना मोबाइल गिला ना। ठीक है जी। आओ चाय पापे। काए काए जिस बहन भाई को चाय पापे सुबह सुबह खाने आ जाए, दोपहर में खाने, तो वो भी अपने चाय बना ले पापे शॉप से ले ले। हाँ जी। ज्वार के बड़े बड़े बूटे हैं, इसे पैर कैलोटेट कर मैटी के साथ सुबह कर लेकर शेयर कर शेयर मैट कर वीडियो से कर बल्कि नहीं करना। हम आए हुए हैं अपने विलेज में। ये देखें, ये सारे ज्वार हैं और आप यहाँ आना चाहते हैं तो आ जाए, बहुत मज़ा आता है। ये सारी वो खज्जी भी है, आपने खज्जी खानी है तो आ जाए। हम जी घर पर थे, घर पर थे तो वहाँ पे रोज बारिश रोज बारिश रोज बारिश। इधर पता करते थे जहाँ पे अभी आए हुए हैं, यहाँ पे पता करते थे, कहते थे कोई बारिश नहीं है, कोई बारिश नहीं है।
तो सोशल मीडिया पे सभी दुआएं मांग रहे थे इस इलाके के लोग, या अल्लाह बारिश बरसा, या अल्लाह बारिश बरसा। तो हम जो यहाँ पे आए हैं, सपेल शुरू हुआ है, रोजाना बारिश, रोजाना बारिश, रोजाना बारिश। बुध को, मंगल को पहुंचे, बुध को बारिश, जुमरात शाम को बारिश, जुम्मा सुबह सुबह बारिश, कल भी सुबह सुबह बारिश, और आज जो है बारिश का इम्कान बना हुआ है, आनी ही आनी है। तो ये हाल हो रहा है, हम जहाँ पे जाते हैं बारिश हमारे पीछे आ जाती है। तो अल्लाह की जो रहमत की बारिश है, अल्लाह वो रहमत वाली बारिश नाजिल फरमाए, ना कि जो जहमत बन जाती है डेली के डेली बारिश। तो ये इन पता है, इन गरीब लोगों को जानवरों का चारा काटने, चारा ढूंढने की जो है प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हर तरफ पानी पानी हो जाता है, तो इनके जानवरों के लिए चारा नहीं मिलता। तो अल्लाह पाक सबको माफ़ फरमाए और रहमत वाली नाजल बारिश नाजल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब। और ये नंबरदार तबे हो, हाँ जी, थके हुए हो क्या? हाँ जी। क्यों? भाग भाग के है। भाग भाग कौन बजाई बजाएगा तुम? हाँ वैसे बात, भाग भाग के बात वैसे, ये पूरी बात बताओ ना, किसने बजाया तुम्हें? कोई नहीं, आप वैसे। ये जी कौशल इरफान के ओनर हैं जी, चैनल के मालिक खड़े हुए हैं, क्या हाल है जनाब? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करमजात पाक का एहसान मालिक प्रेम का दर्द, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है, बच्चे कैसे हैं जी? बच्चे उड़े, घर का पता नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ जो है वाइफ मेरी वो तो बीमार है अभी। ओ, क्या हो गया? उसको देखे क्या मसला है, पूछेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, मैंने सुना है उसका मैदे का प्रॉब्लम हो गया है, उल्टियाँ भी आ रही है। रात भर चीखते रहे, दवाई भी लेकर दी, अभी फिर से वही काम। अच्छा, अभी कोई इंजेक्शन लगाते हैं, अगर कोई वो लगाने पड़े, ड्रिप लगाने पड़े तो वो भी लगवाते हैं। क्या मसला है पता नहीं, मैदे का है पता नहीं, लेडीज प्रॉब्लम है वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, बस आपके पास आया हूँ कि उसे पूछेंगे क्या मसला है, मुझे तो सही से नहीं बता रहे। तो आप भाभी अपने को ले जाए, उसे पूछे, उनको बता देगी ना, वो फीमेल मसला है जो भी है लेडीज का, वो बता देगी, उसके मुताबिक फिर हम ट्रीटमेंट करवाएंगे ना। यहाँ पे नहीं होगा तो उधर चले जाएंगे डॉक्टर के पास, उसको चेक करवाएंगे। ओके हो गया, टेंशन ना लें आप, टेंशन ना लें, आप साथ हैं बस, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। रात भर दीदाएं नमलाक में सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे, शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी, हाँ आपके आने की एक आस थी अब जाने लगी। खुश थे हम अपनी तमन्नाओं का ख्वाब आएगा, नजरें नीची के शर्माए हुए आएगा, कांपुले चेहरे पे बिखराए हुए आएगा, पत्तियां आ ही गए हम सजदे मस्जूद के माबूद को हम पाई गए, शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी, हम आपके आने की एक आस थी अब जाने लगी। ये जी जैसे मैं आपको अभी जो कुछ देर पहले बता रहा था कि यहाँ पे बारिश आने वाली है, तो बारिश फाइनली आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। रिम जैम पैंदियाँ कणियाँ, रिम जैम पैंदियाँ कणियाँ, ये देखे ज़मीन पे बहुत ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है और ना कम है, दरमियानी बारिश है।
तो यहाँ पे जो है फसल को आप देख सकते हैं यहाँ पे भीग गई है और ये जो है सड़क भी भीग चुकी है सोलंग। तो बारिश आ चुकी है, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी सलमान आ रहा है सकमटा लेके। हाँ जी क्या ले आए हो? सब्जी। कौन सी सब्जी है? सावी तोड़ी। वालेकुम सलाम। सारी सब्जी आ गई है? क्या तुरी? इतनी बड़ी तुरी ये देखें। ये तुरी वहाँ से कहाँ से ली है? ये कहाँ से लेके आए? मार्केट से। मार्केट से? हाँ जी, जहाँ पर ये उगती है ना वहाँ पर ये तोड़। 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो? 3 किलो है। 80 रुपए मिल गया। 3 किलो है यार। इनको मेहरबानी, तुम आपको बता रहा हूँ मेहरबानी, या सब्जी लेने जाते पैसे थोड़ा दिया करो ना। मुझे बताया भी नहीं, ऐसे चले गए थे। लेने को खाने पकाने वाली हमसे बात किया करें पहले, समझ आई बात? जाके उधर बोले ये ले, बोले ये ले, ये ले, बात समाप्त रहता है। ठीक हो गया, समझ आई बात तुम्हारे? और साथ में ये बड़ी जो है पेटी, ये तो अंदर रख दिया है हिफाजत के लिए, क्योंकि बाहर बरसात हो रही है। तो अभी इनको खोलते हैं, इसके अंदर जो सामान है वो आपको दिखाते हैं। चलो बेटा कुंडी खोलो, खोलो। ये देखें, ये जो है बर्तन वगैरह पड़े हैं यहाँ पर, और ये बोरा भी बर्तनों का है। अभी इसको निकालते हैं बाहर तो आपको दिखाते हैं। जी, तो अभी ये बर्तन बाहर जो खुले पड़े थे वो आपको मैं दिखा दूं। ये बर्तन निकाल रहे हैं आप, पहले क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये बच्ची का सामान है जो हम लेके आए हैं कल शहर से, ऐसे ऐसे बताए ना। ये सामान है जी बच्ची का, जो दहेज में देना है, जो उस बच्ची जो दुल्हन है उसका ये सामान है। वो मेरी भांजी है, सगी बड़ी बहन की बेटी है, तो उसका जो है ये शादी का सामान ले आए हैं। और ये दिखाएं जी, आप दिखाएं। 6 गिलास होंगे, ये एक जग और साथ में ये हैं इसके 4, और ये 6 गिलास। 6 गिलास हो गया, ये मुकम्मल सेट हो गया। पानी वाला इधर सेट पे करें, सेट पे करते जाएं। दूसरी चीज बेटा, नीचे नीचे चले जाओ, नीचे देख के खुशी तो हो रही होगी देखने वालों को। बहुत खुश हो रहे हैं, बहन हंस रही है, कमाल ही क्यों। अच्छा, ये कढ़ाइयां हैं क्या? ये जो है फैंसी दौर के हैं डोंगे, यहाँ पर जब गरम सालन डालेंगे ना तो जब उसका दुल्हन यहाँ लेके जाएंगे तो जलेंगे नहीं। इसमें जो है ना फुल सालन है मुर्गी का। हाँ, ये साथ जाएंगे भी अलग अलग करके अपने मेहमान पहन के जो खाए, ऐसा है बस। ज्यादा तस्वीर में ना जाएंगे, मुझे पता है। चलो आगे चले। और ये जो है डोंगों का जो सेट था, ये हो गया बड़ा, इसको कुछ छोटा फेर होते हैं। और इसके साथ में ये लगेगी कौलियां। ये कौलियां पंजाबी तो कौलियां कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, हम तो कटोरियां कहते हैं। ये कितनी हैं कौलियां? ये भी हैं 6। ठीक हो गया, रखें 6 हो गए ये। और इसके बाद ये है इसमें क्या डाला जाएगा? डब्बा, इसमें घी डाला जाता है। अच्छा, दुल्हन जब जाएगी अपने घर तो अपना घी वगैरह इसमें रखेगी। देसी घी हो या वो जैसे उसका नसीब होगा, जानवर वो खुद रखती है करती है, तो उसके पास घी भी होगा। सही है। तो साथ में है ये प्लेटें, ये प्लेटें भी 6 होंगी, 6 प्लेटें आ गई जी। उसके बाद ये कितने हो गए? ये छोटे पराठा है, ये 2। दो उसके बाद ये बड़ा जो है, ये बड़े वाला पराठा है आटा गूंदने के लिए। हाँ जी, गोट हो गया, गोट हो गया। अभी इसके साथ के बर्तन वो बोरे में पड़े हैं, वो दिखाएंगे। और इसके बाद इस शापर में क्या है? बड़ी हैरान कुन चीज मुझे नजर आ रही है, ये पहले दिखा दें। इस शापर में है, ये है मोली, मोज पे खड़ा करना है। इसके अंदर आपका सार डाल के ना ऐसे ऐसे पीस पे आप क्यों डर गया? अभी तो आपकी बारी भी नहीं आई। मतलब इसमें जो कुछ भी पीसना होगा कूटना होगा, ठीक है जी,
ये ग्राइंडर मशीन है समझे, ऐसे ऐसे कूट करके चटनी बना के खीर लस्सी साट के पियेंगे। वाह वाह। और ये जो है कपड़े धोने वाला ब्रश, ब्रश, ब्रश। यहाँ पर वॉशिंग मशीन नहीं चलती ना, आप पे यहाँ पे लाइट ही नहीं है, कहाँ से वॉशिंग मशीन, कहाँ से पंखे, कहाँ से हवा, कहाँ से मोटर, कुछ भी नहीं है। ये क्या है आपको पता है? मुझे नहीं पता। पता नहीं है? नहीं। बोल दो, जो पता है बोल दो। ये छानने वाला आटा। और ये परून है, हमारे जबान में इसको परून कहते हैं। और छन्नी भी, आटा डालो, आटा डालो, पेशाब करके फिर। हाँ जी, समझ आई? तूने भी शादी करनी है, ऐसे माहौल तुम्हें करने पड़ेंगे। ठीक है, ये है पता है, पानी के लिए, कुआर को देने के लिए। माशाल्लाह सामान जबरदस्त है भाभी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक जो है उसका नसीब अच्छा करे, अल्लाह पाक उस करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और बहुत अच्छी शादी हो और ता जिंदगी ता कयामत जो उनका साथ न टूटे। आमीन आमीन। और ये जो है ये रस्सा है मेरे ख्याल किसको, ये दूल्हे को बांधना है क्या? नहीं दूल्हे क्या इंश्योरेंस नहीं नहीं, यहाँ पे रिवाज है ना। हाँ। दूल्हे को पहले जब आता है ना शाम को बांधते हैं दूल्हे को और फिर कुंवर को पीछे से बांध देते हैं। हाँ। दोनों को एक साथ बांध देते हैं। हाँ, ये ले जाए अपना टच हो के फिर कभी जुदा ना हो। जुदा ना हो। तो इसमें से निकालो नहीं, ये वादे कर दूं, ये अलग से ना चारपाई यहाँ पे जो है टूटी हुई है तो उसको ना खेलने के लिए ले आएंगे। ये छेक का जैसे ये लगी हुई है ना, जैसे ये लगी हुई है ऐसे लगनी है। और ये इसका वाहन है चारपाई, ठीक है, बस ये ओके हो जाएगा। फिर भाभी कौशल को कहाँ छुपाया है? बहुत थोड़ी पड़ी है, सो गई है। अच्छा जी, ये है तकियों का कपड़ा। अच्छा, तकिया इस, हाँ, सिलाई कढ़ाई नहीं, ये दूसरा है वो, इसमें ना वो कपड़ा डाले। अच्छा, कढ़ाई नहीं करनी। तो ये जो है ना जब दूल्हे साहब आएंगे दुल्हन लेने तो उसकी सास उसको पहनाएगी। अच्छा, उसके साथ बेटा इसको बोलते हैं, दूल्हे को पहनाएगी। हाँ। और दूसरा जो उसके साथ में सरबाला बना वो दूल्हे की अम्मी उसको पहनाएगी। अच्छा, वो उधर होगा सबसे वो होगा अपना लड़के वालों के। हाँ। ये जी जाए नमाज अल्लाह पाक उनको नेक साले और पांच वक्त नमाज पढ़ने की तो बेहद आफर माए, इसलिए ये जो है ये भी साथ में नमाज। आमीन आमीन आमीन। और जो नमाज नहीं पढ़ता हमारे जैसा गुनाहगार बंदा है तो कोशिश करें कि नमाज पढ़ा करें। इंशाल्लाह। हाँ जी, मैं भी कोशिश करूँगा नमाज पढ़ूँ। इंशाल्लाह। अच्छी पढ़ता था लेकिन बाद में फिर उसने होती की, लेकिन अब इरादा है कि नमाज पढ़ी जाए तो अपने काम में बरकत हो जाती है। हाँ जी, ठीक है, ठीक। ज्यादा नुकसान रात नहीं होते, मतलब है नमाज जब पढ़ते हैं तो हर बला दूर हो जाती है। जी बिल्कुल बेशक। अच्छा, ये क्या है जी? ये उसका परांदा है। ये परांदा है दुल्हन का जी, अल्लाह पाक ये दुल्हन पांच साल हटाएगी इंशाल्लाह, पांच साल ऐसे ही रहेगी जैसे पहने रखेगी इंशाल्लाह ताला। और ये है छोटे चमचों वाला स्टैंड, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 चमचे रखे जा सकते हैं। ओके हो गया। और ये है हमारा सबसे बड़ा प्याला, दुनिया का सबसे बड़ा प्याला चाय। ये वाला जो है हम अपने लिए लेके आए हैं दुल्हन को, जब उसके घर आएंगे ना इसमें चाय डाल के हम पियेंगे। हाँ, लस्सी के लिए कौन सा बर्तन ले आए थे? लस्सी वाला अभी भूल गए हैं, वो दूसरा अभी बहुत सा सामान जो है अभी लेना है। अच्छा। हाँ, तो ये जो है ले आए हैं कप, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कप, खूबसूरत कप दुल्हन को। ये मुकम्मल सेट है, तो मैं शापर में डाल के लाई, इसका डब्बा जो है वो फट गया था। उसके बाद जो है बेटा आप इसको ना करें, टूट जाएंगे, ये रख दें टूट जाएंगे। मजीद कुछ सामान जो है रह गया है वो दूसरा, पानी वाला सेट भी नहीं है, शीशे वाला, और डिनर सेट भी नहीं है, वो अभी लेके आना है। जब वो ले आएंगे तो जो लेके आए हैं वो आपको दिखा दिया है, ये बर्तनों में, और जो है कपड़े वगैरह वो भी दिखाएं।
वो जी जो सामान पहले आपको दिखा दिया गया है तो टाइमिंग हो गई हमारी पूरी, वो सामान देख चुके हैं, फिर अगले ब्लॉग में जो ये बोरा खोलेंगे तो इसका इंतजार आपने करना है अगले ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग हुआ खत्म, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, तमाम बहन भाई जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।